बच्ची हाँ मेरी हालत में जिंदगी मौत में लड़ रही है वो, हाँ बच्चा उसका भरोसा नहीं है, ताते भरे मेरी लड़की मर जाए वो बोलते जितने मैं जिंदगी भर उसका रो मेरी लड़की कोई सुनवाई नहीं, मैं सुनवाई चाहिए मुझे इंजाम चाहिए मुझे कुछ नहीं मालूम। और का नाम हाथों में बीड़ियों से जलाई है, हमने खुद अपने आंखों से देखा तरबे जलाए हैं, बताओ 4 साल की बच्ची उसकी क्या गलती है जो बीड़ियों से और सिगरेट से जलाया गया उसे, हाँ उसके साथ में इतना गलत करा कि तीन बंदों ने मिलकर रेप करा उसके साथ, तीन बंदों ने मिलकर रेप करा, वो तीनों हमारे को चाहिए। क्या कोई के साथ उसने पता नहीं क्या बेहोश करा है क्या करा है ये हम नहीं कह सकते, बच्चा चुप था। और पुलिस वाले उल्टा और मारे इंसाफ देने के सिवा और उल्टा और हम लोगों को फंसा रहे, ये गलत चीज नहीं है, हमारी लड़की हमें घुमा रहा जे का इंसाफ। हाँ जो 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 गया वहाँ पे सबको लाठी चार्ज करा है और जो जिसको पता था वो सब पहुँचे वहाँ। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली के भलसुआ डेयरी इलाके में हम मौजूद हैं और यहां से एक ऐसा मामला सामने आया है जो इस वक्त सबके रोंगटे खड़े कर देगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि बच्ची चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, महिला चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसकी उम्र कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आज देश की राजधानी दिल्ली में कोई भी महिला कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। आपको बता देते हैं जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहीं से कल एक छोटी सी मासूम बच्ची जिसकी उम्र 4 साल बताई जा रही है, एक व्यक्ति आता है उस बच्ची को बहला फुसला कर ले जाता है और उसके साथ हैवानियत कर देता है। अगले दिन सुबह वो बच्ची बेसुध हालत में एक खाली पार्क के बाहर मौजूद मिलती है, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया जाता है और उसका इलाज अभी चल रहा है। घर के लोग इस वक्त मौजूद हैं, कल क्या कुछ होता है इनसे ही जानते हैं। आपका हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम है सोनी, सोनी हाँ सोनी। उसकी मैं बड़ी मम्मी हूँ ना, हाँ मुझे इंसाफ चाहिए, उसे मुजरिम को पकड़ के लाए और यहाँ जला जाएगा मेरे सामने, मैं छोड़ने वाली ना है बच्ची, हाँ मेरी हालत में जिंदगी मौत में लड़ रही है वो, हाँ बच्चा उसका भरोसा नहीं है, ताते भरे मेरी लड़की मर जाए वो बोलते हैं, आज मेरी लड़की मुझे दीती है मैं जाती हूँ क्या बीतती है, आज मेरी लड़की मुझे रात दिन में चैन नहीं, मेरे घर में खाला चल रहा है, मेरे घर में कोई नहीं है, आज तो आज मेरे कोई होए मुझे मेरे बच्चे देख रहे कोई, आज मेरी लड़की मुझे बीत रहा है मैं जानती हूँ क्या बीत रही है आज मेरी लड़की, आज मैं बहुत परेशान हूँ, इंसाफ चाहिए, मेरे पास ही चाहिए उसकी मुझे, मेरी 4 साल की लड़की है, 3 महीना भी बाकी है मेरे बच्चे, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला है, पुलिस बोलती है कि मिल गए तो पकड़ के ला मुझे दिखाने ले जाओ, मुझे ले जा रहे मुझे क्या मेरे सामने ले गया उसे, उसकी बहू बड़ी बोलता है कि बीवी मिल गई, बीवी कहाँ मेरे सामने ले गया, पुलिस बोलती है इसलिए जाओ डंडे डंडे बजाती है बार बार, हम क्या जाए, हम गरीब इंसान है किराए पे रह रहे हैं, हम कमा रहे हैं वही खा रहे, बताओ हम क्या जाए, आज पैसे वाले होते तो तुम सुनवाई करते, आज हम गरीब लोग हैं तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं है खून मांग रहे हैं, हम कहाँ से थे, गरीब इंसान है हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे पुलिस वाले। क्या नाम है आपका? समा। समा, हाँ। समा आप बच्ची की क्या लगती है? मामी बच्ची बाहर खेल रही थी, परसों खेल रही थी गली में, गली से उठा के ले गया, इधर से आया इधर लेके गया, ठीक है, और टेम्पू पर नंबर नंबर दिख नहीं रहा, लेके गया किसी से लखड़ाया भी, जैसे किसी से लड़ा भी और पता नहीं कौन था, मगर रोड पे बैठा ला उसने टेम्पू, पूरी रात हम लोगों ने ढूंढा पूरी रात नहीं मिली, सुबह मिली 8 बजे लड़की हमारी लड़की, वो भी सही नहीं मिली, बहुत बुरी तरीके से हालत में मिली, 4 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची है, माता पिता भी हम समझ लो देख के उसे रंग दंग रही है कि उसकी हालत देख ही ना गई, मेरी नंदन देखी इनकी उनकी बहू ने कही बच्ची सही है, मैं एक बार बोलने जा रही थी पुलिस वालों से कि सही है, तब तक मेरी नंद की नजर पड़ी कि नहीं सही है, भाभी बोल क्या पुलिस वालों से बच्ची मेरी नहीं सही है, फिर हम दोबारा गए रोते हुए तो हमने की लड़की सही नहीं है, हाँ देखा, फिर हम कल पूरे दिन अस्पताल में रहे, रात को आए 11 बजे आए तो रात में हंगामा हुआ उन पुल पे, सड़क जाम, हाँ सड़क जाम भी थी, हम नहीं थे, हम अस्पताल में पहले थाने गए थे, पहले थाने गए, हाँ थाने में सारे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने दरवाजा लिया जैसे सारी पब्लिक के चक्कर में, उसके बाद में सारे लोग बोलने लगे, फिर कहा कि नहीं यहाँ अभी नहीं इंसाफ मिलेगा, सारे लोग जैसे अभी ढूंढ रहे हैं पुलिस वाले उसके, हाँ फिर हम लोग आगे पुल पर चले गए, वहाँ जाम करा, जाम करने के बाद वहाँ पे थोड़ी देर के बाद लाठी चार्ज हुई कि जाओ जाओ, कोई आगे वहाँ ढूंढ लिए हमने, मगर यहाँ कोई भी बंदा नहीं मिला।
थाने। मतलब बच्ची बेहोश थी क्या? बेहोश तो नहीं थी, बातचीत करी, बातचीत करी, जब तो हमने जानकारी नहीं कर पाई हमने की बच्ची तो मेरी सही है, ऊपर से तो हमें सही लगी, मगर हमें क्या पता अंदर से इतना जैसे वो है। माँ ने जब लिया गोद में, मैंने तुरंत उसके हाथ में दी, हाँ तब एकदम हम लोग रोने लगे। हमने देखा कोई किसी ने भी किसी को नहीं पता कि बीड़ी से जलाई गई या सिगरेट से जलाई गई, क्यों हम पूरा दिन कल अंकल हम रहे उसके साथ। उसमें मतलब हाथ और पैर पर, हाथ पे पैरों पर निशान है, क्यों हमारे सामने डॉक्टर ही हुई, हाँ हमारे सामने डॉक्टर ने देखा है, मैडम ने देखा है, तो हमारी नजर पर ही मैंने की मैडम जे तो बीड़ी की जली हुई लग रही, कह रही हाँ वही, तो हम कह रहे फिर सारे कपड़े उतारे, सारा सामान पैक करा, बोली ये सब चेकअप के लिए जाएगा, उसमें चिट लगा के सारा भेज दिया अस्पताल में। हाँ अच्छा ये बता रहे हैं कि यही बाहर खेल रही थी। हाँ देखिए लगभग ये 6:45 की बात है, और यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे गली के खेलते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, ट्यूशन से आते हैं, तो बच्चे खेलते हैं नॉर्मली इसी तरीके डेली की तरह, आज उस दिन भी खेल रहे थे। 21 तारीख की बात है ये, तो एक बंदा आता है बाहर से, इस साइड से आता है, लगभग उसकी एज होगी 40 ईयर्स के आसपास, जैसे कैमरे में दिखाई दे रहा है 40 ईयर के आसपास है वो, आता है थोड़ी देर, उसने देखा है बच्चों को यहाँ पर, तो 3-4 बच्चे खेल रहे थे, 2 बच्चे इधर छुपकने के लिए आ गए, जैसे वो उनको देखने के लिए आ रहे थे, 4 साल की बच्ची कितनी सी होती है, उसको पीछे से कोली भरी है उसने गोद में लेके, और वो इधर से चला गया, यहाँ पे जाके एक ऑटो वाले को रुकवाया, ऑटो को लेके और वो सीधा निकल गया। पूरी रात यहाँ पर लोगों ने, कॉलोनी के लोगों ने ढूंढा, रात को 11 बजे पुलिस में कंप्लेंट कराई, अपने स्तर से भी ढूंढा, कैमरे चेक किए यहाँ पर, तो सुबह को 8 बजे लगभग थाने से फोन आता है कि आपकी लड़की जो है मिल गई है। जब हम उसको देखने के लिए वहाँ पर गए तो वो बेसुध थी, उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि देखा भी नहीं जा रहा था। फिर उसको बाबू जगजीवन हॉस्पिटल में एडमिट कराया तुरंत, वहाँ पर उन्होंने लड़की को देखा, लड़की को देखने के बाद उसकी हालत गंभीर को देखते हुए उन्होंने उसको अम्बेडकर में एडमिट करा दिया। अम्बेडकर में डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, लगभग 12-13 घंटे अपने पास रखा, जब वहाँ से भी सुधार नहीं हुआ तो आज सुबह डॉक्टरों ने उसको कलावती हॉस्पिटल में कराया। अभी जो लड़की है कलावती हॉस्पिटल में है और उसकी तबीयत उसकी ठीक नहीं है, डॉक्टर की टीम उस पर लगी हुई है, लेकिन उसकी हालत ख़राब है। और यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पुलिस थाना यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, ये भलसवा डेयरी एरिया है, और भलसवा डेयरी एरिया के शुरू में ही जो थाना है, अब थाना इतने करीब होने के बाद भी इस तरीके की घटना घटती है, आज इस बच्ची के साथ हुआ कल किसी और बच्ची के साथ हो सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो घटना स्थल देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा मासूम बच्चा अपने गली के दोस्तों के साथ, शायद वो उस दौरान यहाँ खेल रही होती है, 6 बजे का समय बताया जा रहा है, और ये जो सड़क आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ठीक आप यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा देखेंगे, जो यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है आपको नजर आ रहा है, यही वो कैमरा है जिससे पहले चेकिंग होती है, जिसमें पता चलता है कि वो जो व्यक्ति है वो उस बच्ची को यहाँ से लेकर जाता है। और ये जो ठीक सामने आप सड़क देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियो नजर आ रही है, उन वीडियो में ध्यान से देखिए, रेड और ब्लैक कलर की जैकेट में जो व्यक्ति नजर आ रहा है ये वही दरिंदा है जिसने इतनी छोटी मासूम बच्ची के साथ इतनी हैवानियत की। अभी देखिए परिवार से जिस तरीके से हमने बातचीत की है, उनका कहना है कि कई बार ऐसे लग रहा है कि गाल पर थप्पड़ भी मारे गए हैं, हाथ में कुछ निशान भी नजर आ रहे हैं, तो बीड़ी और सिगरेट से निशान भी नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर ये बताते हैं कि पहले उसके साथ उसको उसका अपहरण किया गया, उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई है, उसके बाद उसके हाथ और पैर पे कई कई जगह पर सिगरेट के निशान नजर आ रहे हैं, और उसके बाद उसके साथ रेप जैसी हैवानियत को अंजाम दिया गया है। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसके बावजूद ऐसी हिम्मत कर रहे हैं हमारे बीच से लोग कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सेफ है हमारी बहन बेटियाँ, कैसे हम उन्हें अलाउ कर सकते हैं कि वो अकेले स्कूल चली जाए, हर व्यक्ति कोई काम काज वाला व्यक्ति को अपने काम धंधे पे चला जाए तो वो बच्चे अकेले स्कूल जाती हैं या खेलती हैं, पीछे छोटा सा पार्क है, तो अपना वो इस तरह से अगर हम उनको बंदिश के अंदर रखेंगे तो एक तो अपना बचपन खो रही है, और हमारे बीच ऐसे समाज में ऐसे लोग पनप रहे हैं जो ऐसे ऐसे हरकतों को अंजाम देते हैं, और इसके ऊपर पहले भी दिल्ली में ऐसे ऐसे केस हो चुके हैं और उसके बावजूद ऐसी हिम्मत कर रहा है, तो ये बहुत ही शर्मनाक है हमारे लिए कि हमारे बहन बेटियों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। हमारे इतने साल हो गए कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब की बार जो हो रहा है बाहर के लोग आके ऐसा कर्म कर रहे हैं यहाँ, तो उसके लिए हमारे को इंसाफ चाहिए, बस हम चाहते हैं इंसाफ। कल को हमारी बहन बेटी भी सबकी बहन बेटी बराबर है, जैसे दूसरे की बेटी ऐसी हमारी बेटी, अगर हम दूसरे की बेटी को अपनी बेटी नहीं समझेंगे तो हमारे दर्द नहीं होगा, हमारा भी सीना पट रहा है, जैसे उसकी माँ का सीना पट रहा है हमारा भी सीना पट रहा है, हम भी ये चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, और जिसको उन्होंने पकड़ा है वो कह रहे कल से के पकड़ा है, उसकी वाइफ को पकड़ा है या उसके आदमी को पकड़ा है, तो उसको हमारे आगे हमारे को दिखाओ, वीडियो दिखाओ, ये कह रहे हैं उन्होंने बोला है कि उनकी वाइफ को पकड़ा है, लेकिन हमारे को दिखाया नहीं है, मतलब अपना पिंडा छुड़वाने के लिए कोई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, हम कार्रवाई चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले, जो बेचारी जिसकी माँ नहीं, तो हम धरने में बैठेंगे, हम मंदिर हम जाके थाने के बाहर बैठेंगे, हमारा पूरा समाज बैठेगा,
और हिंदू मुस्लिम सब मिलके बैठेंगे, हम कोई समाज से अलग नहीं है, उनकी बहन बेटी हमारी बहन बेटी बराबर है, हम चाहते हैं इंसाफ मिले। कौम की कोई बात नहीं है, कौम की कोई बात नहीं है, बहन बेटी की बात है, बहन बेटी माँ बहन की बात है, कौम की कोई बात नहीं है, हम सारे मिले। चार साल की बच्ची क्या होती है ये बताओ मुझे, चार साल की बच्ची ना तो वो लड़की बनी ना वो लड़का है, वो बच्ची है, या तो हमारे को दो ऐवान नहीं तो हमारे को इंसाफ दो, उसको फांसी मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। कुछ पता चल पाया ये लड़का कहाँ का है, क्योंकि हमने देखा यही वो लोग ये कह रहे हैं कि मुखनपुर का है। हाँ। जो पुलिस कह रही है, हम पुलिस की सुन रहे हैं, हमारे को नहीं पता कौन है वो, हमने फोटेज दिखाई है, फोटेज पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हमारे पास फोटेज भी है, फोटेज भी दिखाई है, लेकिन फोटेज पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और जो उसके साथ है हमें नहीं पता कौन है, वो कह रहे तीन बंदे दिखाए हैं कि तीन बंदों ने मिलकर रेप करा उसके साथ, तीन बंदों ने मिलकर रेप करा है, वो तीनों हमारे को चाहिए, बस हमारे को इंसाफ चाहिए, या हमारे को दिखाओ कि आपने पकड़ लिया तो उनको सरकार इंसाफ दे। उस कांड से पहले वो आदमी तीन चार दिन पहले चक्कर लगा रहा था, उसको मैंने खुद देखा था, मैं अपने दरवाजे पर यहीं मेरा घर है दो घर छोड़ के मैं वहाँ पे खड़ी थी, वो आदमी दो तीन बार चक्कर लगा रहा था, कल ब्लैक टी शर्ट में जो सिटी फोर्टीज में आया है तो उसमें काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, उससे पहले तीन दिन पहले वो पीली टी शर्ट में गली के चक्कर, नहीं लाल में तो बाद में आया, चार दिन इस कांड से तीन दिन पहले वो पीली टी शर्ट में घूम रहा था गली में, मगर वो बाहर का था, मैंने कहा था अगर ये आपकी बार से गली में आ गया तो मैं उसको पकड़ लूंगी और उसको मारे बिना छोड़ूंगी नहीं। तो क्या क्या करता था गली में आके? गली में आके खाली यूं उसको देखना इधर देखना कि ताक झाक करता था। अच्छा, लोगों बच्चों को औरतों को देखता था, ताक झाक करता था वो, और मगर कहता किसी से कुछ नहीं था, ना कहीं रुकता था। तो आपने कभी टोका नहीं आप लोगों? तो जब मैंने तेज की बोला, मैंने कि अब तू आ जा निकल के, दोबारा तू चक्कर मार फिर मैं तुझे बताती हूँ। उस दिन से वो आदमी यहाँ नहीं आया, फिर दो दिन के बाद ही ये कांड लड़की का हो गया। तो हम चाहते भैया सजा दे, ना यहाँ कोई औरत सेफ है, यहाँ ना कोई बच्चा सेफ है, ना कोई सेफ है। झूठा किसी को बंद करके कह दे के मैंने बंद कर दिया, हमारे को झूठ नहीं चाहिए, हमारे को वही मुजरिम चाहिए जिनने कर्म करा है। पुलिस वालों ने डंडे भी मारे थे बिना वजह, नहीं जांसों को मारे थे, और फिर और ये हाँ लाठी चार्ज कर रहे थे बिना वजह का, और उसको फिर पकड़ के भी लेके गए, बहुत मुश्किल से छोड़ा आएगा लड़के के लिए। एक लड़का मोहल्ले का लड़का, हमारे मोहल्ले का लड़का था, लोग कल इंसाफ मांगने जा रहे थे, पुलिस वाले उल्टा और मारे इंसाफ देने के सिवा, और उल्टा और हम लोगों को फंसा रहे, ये गलत चीज नहीं है। हमारी लड़की हमें घुमा रहा, जे का इंसाफ है, जे को इंसाफ है। सारे लोग थाने गए थे, हाँ सब लोग गए थे, बहुत लोग गए थे, सबको लाठी से हाँका, पुलिस वाले कह रहे हैं कि उसकी वाइफ को पकड़ा गया जिसने क्राइम कराया, और जिसने क्राइम कराया वो शादीशुदा, उसके बच्चे भी हैं, 40 प्लस है उसकी एज, यस हमने खुद देखा, उसकी वीडियो देखी है फुटेज में, 40 प्लस है मैम, खून भी मांगा है। अब बताओ हम लोग इतने वैसे हैं, कहाँ से खून लाए, कहाँ से क्या लाए, हम लोग किराए पे रहने वाले हैं, हाँ रोज कमाते, बेलदारी बाप कर रहा, बाप पागल होगा, अम्मी अम्मा उसकी तो बिल्कुल पागल हो गई समझ लो, मैं तो कल पूरे दिन रुकी, माँ उसकी पागल है सदमे में, हमें इंसाफ चाहिए, फांसी होना चाहिए, फांसी फांसी होना चाहिए। एमएलए साहब आए मिलने के लिए, हाँ एमएलए साहब यहाँ भी आए और अस्पताल में भी गए। सोचिए कि कितनी हैरान करने वाली बात है कि देश की राजधानी दिल्ली के ऐसे हालात है जहाँ महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही, तो बाकी राज्यों के क्या हालात होंगे जब दिल्ली के ऐसे हालात हैं। ये बच्चे तो बड़े भी नहीं है, ये देखिए एक बार बच्चों की एक बार तस्वीरें दिखाऊंगी, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या ये अपने घर के आसपास भी नहीं खेल सकते, क्या आसपास आना जाना भी नहीं कर सकते। अब सोचिए इतने छोटे बच्चों के साथ अधेड़ उम्र का आदमी आता है, उसको उठा के ले जाता है, और अभी तो कैमरे में सिर्फ एक नजर आ रहा है, लेकिन लोगों का कहना है और साफ तौर पर ये लोग बता रहे हैं कि तीन व्यक्ति थे इस पूरे मामले में, जिसमें से अभी एक को भी पुलिस नहीं पकड़ पाई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष जो है स्वाति मालीवाल, उन्होंने भी पुलिस को नोटिस जारी किया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। अब यही देखना होगा कि जिस तरह देश की राजधानी के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ सकती, ये छोटे बच्चे अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ सकते, ऐसे में कब जाकर देश के हालात सुधरेंगे, देश की राजधानी दिल्ली के हालात सुधरेंगे। दिन हो चाहे रात हो, बच्चे चाहे उम्र कोई भी क्यों ना हो, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं बार बार कि हम दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं, देश की राजधानी की महिलाएं सुरक्षित है, जीते जागते सबूत हमारे सामने है। याद ही होगा निर्भया कांड के बाद शायद लगा था कि हालात बदलेंगे, लेकिन आज तक हालात नहीं बदले हैं। निर्भया कांड को पूरे 10 साल हो चुके हैं और उसके बावजूद भी आज भी वही स्थिति बरकरार है जो 10 साल पहले थी।
आज भी देखिए आप, एक बच्चा जो इतना मासूम है, जो यहाँ इलाके में खेलता है, उसको व्यक्ति उठाकर ले जाता है और अभी तक पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है। ऐसे में यही कहूंगी कि आखिर में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके, और ताकि समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।